दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप लोग पूछ रहे थे कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, खास करके बीएड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर जानकारी आपके काम की लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप फीस स्ट्रक्चर जानना मिस कर देंगे क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद। तो बीएड आप लोग जानते हैं पीजीटी सेकंड में आता है, पीजीटी सेकंड में ये बीएड का प्रोग्राम आता है और बहुत सारे लोग फिल कर चुके होंगे। फीस 1600 रुपये थी, जो नहीं किए हैं 3 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आप फटाफट कर लीजिए। फॉर्मेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ एडमिशन टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप सभी को अभी से जान लेना चाहिए क्योंकि बाद में फिर आप लोग पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर, वो आपको दिख रहा होगा, जो फर्स्ट सेक्शन के 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे कि 20-20 क्वेश्चन आपका ये आएगा लैंग्वेज और 20 आइटम, ये सब 20 आइटम आपको दिख रहे होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इवेंट अवेलेबिलिटी और 20 टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 करंट अफेयर के, इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 विल हैव 50 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज। अब इस सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज क्या है, इसमें स्ट्रीम आपने चूज किया होगा आर्ट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स में तो सिर्फ कॉमर्स के 50 क्वेश्चन आने हैं, आर्ट और साइंस स्ट्रीम का अगर आप देखेंगे तो ये बी ए बी एस सी बी कॉम लेवल से आएंगे क्वेश्चन। आर्ट स्ट्रीम विल बी फ्रॉम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत नॉलेज। संस्कृत लिटरेचर सब्जेक्ट, मतलब आर्ट स्ट्रीम में इतने जगह से आपके क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। और साइंस स्ट्रीम में कहाँ से आएंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, यहाँ से आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, 5 टॉपिक हैं, 5 से आपके 50 क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात आती है अगली कि गैप ईयर, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी गैप ईयर की, तो गैप ईयर का आप देख सकते हैं। आर स्टूडेंट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जाम इन द सेम ईयर इन विच दे अपीयर इन द एडमिशन टेस्ट, नो मार्क्स विल बी डिवाइडेड। अगर आपने सेम ईयर में, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, तो जो अगर आपका सेम ईयर है, जैसे आप 21 में ही पास हुए हैं तो आपको कोई रिडक्शन नहीं देखना होगा, लेकिन अगर 20 में आप पास किए हैं तो आपका 5% कटेगा, 19 में पास किए हैं तो 10%, 18 में पास किए हैं तो आपको 15% डिडक्शन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा गैप हैं तो फिर 15% ही कटेगा। अगर जैसे बीएससी के बाद आपने 2 साल एमएससी कर लिया तो आपका गैप नहीं रहा है तो वो कटेगा नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप एमएससी वाले हैं या फिर एमए वाले हैं, जो भी पीजी आपने किया है। तो ये रही डिटेल्स, हो गई बात। अब यहाँ पे मेन बात आती है फीस वाली। तो फीस के लिए अगर हम बीएड की बात करें, ठीक है, बीएड में क्या सिस्टम है कि बीएड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका 2 कॉलेज है। पहला जो है वो केपी कॉलेज है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, और दूसरा है एसएसके, मतलब एसएस खन्ना कॉलेज। तो आपको बता दें जो केपी कॉलेज है, केपी कॉलेज की फ़ीस आपकी हो जाती है 15,000। 15,000 जो है वो केपी कॉलेज की फ़ीस है, आप 15-15 मान के चल सकते हैं, ठीक है, 12 से 15,000 पर ईयर आपकी केपी कॉलेज की फ़ीस लगेगी। इसमें जो है, जो जितनी सीट होती हैं उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन अभी जो एसएस खन्ना है इसमें जो है सिर्फ गर्ल्स की एडमिशन होते हैं, इसकी फ़ीस ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो अगर हम एसएस खन्ना की बात करते हैं तो इनकी फ़ीस जो है वो फर्स्ट ईयर की अगर देखी जाए तो वो पड़ती है लगभग 60,000, ठीक है, ज़्यादा फीस है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा है। और सेकेंड ईयर में आपका पड़ जाता है लगभग 35 या फिर 30,000, ठीक है, इतनी फीस पड़ती है एसएस खन्ना की। इसलिए लोग, बच्चे जो हैं वो केपी कॉलेज की तरफ ज़्यादा भागने का प्रयास करते हैं, एसएस खन्ना में कम एडमिशन लेना चाहते हैं। और कट ऑफ की बात करें तो 160 मैं बताया हूँ कई लोगों को, तो मिनिमम 160 है जनरल की, आप 160 से अप रहेंगे तो ही एडमिशन होना पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है 160 गिरते हुए आती है, पहली कट ऑफ 180-190 तक कहीं होती है,
फिर गिरते गिरते कट ऑफ आती है 160, बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है, तो मिनिमम कट ऑफ 160 इतना आपका नंबर होना चाहिए, कितने में, 300 में, ठीक है। तो एग्ज़ाम की भी बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, जितने क्वेश्चन हैं आपके सारे क्वेश्चन, जिससे कि ख़त्म हो जाए। तो ये जो UGAT PGAT इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने कोर्सेज हैं सबके, UGT PGAT के सब एक साथ एडमिशन होगा, एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो है वो 15 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। अक्टूबर 3 तक डेट रखी गई है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक भी हो सकता है डेट, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 15 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। अब हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट तक काउंसलिंग या फिर नवंबर में काउंसलिंग शुरू हो जाए। तो अब तो वीडियो लॉन्ग हो रही होगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जो कर रहे हैं और स्ट्रांग से प्रिपरेशन करें, और बिल्कुल चिंता ना करें, एडमिशन सभी का होगा, माइनस मार्किंग नहीं होती है, बस आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा। वीडियो यहीं तक, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें।